हेलो एवरीवन, आज मैं आपको वेस्ट कार्ड पेपर से हैंडमेड राखियां बनाना सिखाऊंगी, जो कि जिस पर की मधुबनी आर्ट की जाएगी। ये वेस्ट कार्ड टी शर्ट में आते हैं जैसे, तो मैं उनको रख लेती हूँ, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। तो यही मैंने यूज़ किया है राखियां बनाने में। इसको मैंने चार बार फोल्ड कर लिया है, और जिससे कि पेपर थिक हो जाएगा और भी। और वैसे हम कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो वेस्ट कार्डबोर्ड आते हैं जैसे पैकिंग में आते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला पेपर चूज़ किया क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने ये फोर टाइम्स इसको फोल्ड कर लिया है, सॉरी टू टाइम्स मैंने इसको फोल्ड किया है, और देन इसको मैंने स्टिक कर लिया फेविकॉल से। और एक मैंने जो भी मुझे अप्रोप्रिएट कोई एक ढक्कन किसी भी बॉटल का मुझे लगा साइज़ में, वो मैंने रख के उससे सर्कल बना लिया। आप कंपास से भी बना सकते हैं सर्कल। और उसके बाद ये मैंने कट कर लिया है, और अब मैं इस पर एक मधुबनी डिज़ाइन बना रही हूँ। यहाँ मैं ये फ़िश बना रही हूँ। मधुबनी ड्राइंग में फिशेस बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है और बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा, पेंसिल मैंने इसमें बहुत बारीक वाली जो 0.5 लेड वाली जो पेंसिल आती है वो यूज़ की है, क्योंकि बहुत छोटा ये स्पेस है, इसमें ज़्यादा आर्ट वर्क तो हमारा दिखाई नहीं देगा। और अगर हम मोटी पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो इतना सो कवर कर लेगी, तो इसलिए मैंने बारीक पेंसिल यूज़ करी है इस डिज़ाइन के लिए, बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए इनिशियली। और ये बाद में मैंने ये ब्लैक कलर का पायलट पेन यूज़ करा है। मैंने स्केच पेन यूज़ नहीं करा है क्योंकि स्केच पेन की भी जो टिप होती है वो थोड़ी थिक होती है, और उससे वो जो स्पेस है वो छोटा हो जाता है, मतलब कम रह जाता है डिज़ाइन के लिए। इसलिए यहाँ पर ब्लैक कलर का पायलट पेन मैंने यूज़ किया है आउटलाइन के लिए। और ये मैं पहले, अभी इसमें कलर भी किए जाएंगे, लेकिन ये पहले मैं इसलिए कर दे रही हूँ ज़रा, जिससे क्लैरिटी हो जाए डिज़ाइन की कि क्या होगा। और जैसे बाद में अगर आप कलर करते हो और आपकी ब्लैक लाइन छुपती भी है, तो आप अगेन उसको ब्लैक पेन से फिर से उसको रिपीट कर सकते हो डिज़ाइन को। ये पहले मैंने एक राधा जी बनाई थी, और ये मैं कृष्णा बना रही हूँ। कृष्णा वाली राखी ब्रदर के लिए, एंड राधा वाली राखी भाभी के लिए, एंड फिश वाली राखी आप अपने नीस एंड नेफ्यूज के लिए भी बना सकते हैं, और कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं। ये तो मैंने मधुबनी बनाया है, आप इस पर डॉट मंडाला भी कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। आप फ्लावर बना दीजिए किसी भी स्टाइल में, कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक मुझे ये नया आइडिया अच्छा लगा। अब देखिए, जो मैंने पेंसिल के मार्क्स थे वो इरेजर से इरेज कर लिए हैं, ठीक है। अब ये फिश वाली राखी में मैंने पहले वाइट कलर लगाया है, और उसके बाद में बहुत हल्का ही वाइट कलर लगाया है, क्योंकि जो मेरा थोड़ा सा ब्लू कलर है वो काफ़ी डार्क है, मुझे इतना डार्क नहीं लेना था, तो मैंने थोड़ा सा उसको वाइट कलर लगा के थोड़ा इसके कलर की टोन को मैंने लाइट कर दिया है। अब वाइट कलर से ऐसे जैसे वेव्स होती हैं वाटर की, वो हम बना देंगे। ये फैब्रिक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक कलर एक तो उसका रीज़न ये है यूज़ करने का कि ये एक तो वाटरप्रूफ होते हैं, पानी भी गिरा तो ये कलर बहेंगे नहीं, दूसरा शाइनिंग भी आती है, तो आपको कोई वार्निश की कोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर शाइनिंग देने के लिए या पॉलीथीन लगाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली मैं पॉलीथीन प्लास्टिक ज़रा थोड़ा अवॉइड करती हूँ, जितना कम हो सके मैं प्लास्टिक का यूज़ करती हूँ अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क में, और वैसे भी अपनी लाइफ में भी मैं प्लास्टिक मैं यूज़ करती नहीं हूँ, करती हूँ लेकिन जितना कम कर सकूँ उतना। तो ये अब अगेन मैंने क्या करा है, ब्लैक पेन से इसको फिर से मैं डार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमारा डिज़ाइन लगभग ये तैयार हो गया है। हाँ, ये मैंने पेन यूज़ करा है रेड कलर के लिए, दिखाने के लिए कि आप जो
परमानेंट मार्कर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो आप, अगर आपको ब्रश पे आपका हाथ इतना चलता नहीं है, ठीक से सेट नहीं है, तो आप इसके लिए परमानेंट मार्कर भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कई बार होता है, बहुत से लोग होते हैं कि जिनको ब्रश में हाथ सेट नहीं होता है ढंग से, बारीक काम स्पेशली, मतलब मोटा वर्क तो कर लेते हैं लेकिन बारीक काम नहीं कर पाते हैं ब्रश से, तो आप उसकी जगह आप ये परमानेंट मार्कर भी ले सकते हैं। और उस पर भी परमानेंट मार्कर इसलिए, आप स्केच पेन भी ले सकते थे लेकिन स्केच पेन पे अगर पानी गिरेगा तो वो वापस से कलर हटने का या बहने का उसमें डर रहेगा, तो परमानेंट मार्कर कर देंगे तो उससे कलर नहीं रहेगा। अभी किनारे पर मैंने रेड कलर कर दिया है और पीछे भी कर दिया है, और जो बिल्कुल जो किनारा होता है ना राखी का, जैसे बाहर की तरफ जो किनारा है उसको भी मैंने रेड कर दिया है, क्योंकि वो वाइट कलर का दिखता रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो पूरा अच्छे से उसको रेड में कर दिया है। अब ये बीड्स मेरे पास रखे हुए थे एक्चुअली, नॉर्मली तो मैंने बताया ना मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहती, तो मैं एक स्टोन वाले बीड्स भी आते हैं, बट वो मेरे पास थे नहीं, अभी लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाई हूँ, जो मेरे पास ये पुराना रखा हुआ था मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं कोशिश तो यही करती कि मैं स्टोन्स वाले जो बीड्स होते हैं वो मैं लगाती, लेकिन अभी मैं ये प्लास्टिक के बीड्स हैं, ये ऐसे तो ऑलरेडी मतलब अगर मैं इनको ऐसे स्टिक करूँ तो ये हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इस पर एक फेविकॉल की लेयर लगा दी है जिससे कि और मजबूती से हो जाए, क्योंकि वो वाली जो इनमें जो स्टिकीनेस है वो पता नहीं कई बार ही होता है कि काम नहीं करती है, थोड़ी देर बाद ख़त्म भी हो जाती है, तो इसलिए मैंने पहले मैंने इसलिए कोई चांस नहीं ले रही हूँ, इसलिए पहले फेविकॉल लगा दिया और ऊपर से मैं उन बीड्स को उन पर चिपका रही हूँ। थोड़ा सा ऐसे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि वो स्टिक्स जो वो बहुत स्टिकी है ना, तो मेरे हाथ में चिपक जा रही है। देखिए हमारी ये राखी तैयार है और मैं इसका जो अलाइनमेंट है वो ठीक कर रही हूँ थोड़ा सा। देखिए ये हमारी राखी तैयार है, अब हम इसमें सैटिन रिबन लेंगे, सैटिन रिबन अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसको काट लेंगे, ठीक है, और उस पर फेविकॉल लगा के उसको स्टिक कर लिया। इसके बाद हम इस पर एक छोटा सा स्मॉल पेपर पे एक सर्कल काट लेंगे जो कि हमारी राखी के बीचों बीच ढंग से आ जाए, जो हमारे सैटिन रिबन को पीछे से मजबूती से उस पर स्टिक कर दे जिससे वो निकले नहीं। तो ये हम इस पर अभी ऐसे कलर करके हमने इस पर फेविकॉल लगा के इसके ऊपर चिपका दिया है। देखिए ये हमारी राखी ऑलमोस्ट तैयार है, और बस इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ये ऐसे तीन स्टोन्स यहाँ पे दोनों साइड पर लगा देंगे, तो उससे ज़रा खूबसूरती और हमारी राखी की बढ़ जाएगी। बताइए कैसी लग रही है राखी, लग रही है ना अच्छी, सुंदर, अच्छी नहीं सुंदर। अब हमारी ये दूसरी राखी है, ये राधा जी की है। देखिए थोड़ा सा ज़रा बारीक काम हो जाता है ब्रश का, तो कई बार लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रॉब्लम होती है, मोटा वर्क आराम से कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग परमानेंट मार्कर यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा फैब्रिक कलर अच्छा लगता है, उनकी शाइनिंग मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके फैब्रिक कलर यूज़ करूँ स्केच पेन की बजाय या परमानेंट मार्कर्स की बजाय। ये फेस पर मैंने ये स्किन कलर आता है वो यूज़ किया है, हेयर्स कर दिए गए हैं ब्लैक कलर से, यहाँ पे कुछ बीड्स दिखाए हैं कि उनके बालों में लगे हुए तो वाइट कलर से कर दिए हैं, और बैकग्राउंड में वाइट येलो बैकग्राउंड जो है उस पर भी वाइट डॉट्स मैंने लगा दिए हैं। अब हम किनारे पर ग्रीन कलर है, ये थोड़ा जो ग्रीन कलर है ये ग्लिटरी वाला है, स्पार्कल्स मिक्सड है ये वाला, तो ये काफ़ी शाइन कर रहा है, और ऐसे ही पीछे बाहर के किनारों पर भी और पीछे की तरफ ये पूरा हमने ग्रीन कलर से इसको कवर कर दिया। देखिए बहुत शाइनिंग है ग्रीन कलर में, बहुत अच्छा है ये वाला। कानों में हम ये बना देंगे इनके, जो ये व्हाइट करे थे उनके चारों तरफ ये ब्लैक के हमने किनारे बना दिया राउंड राउंड, इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर देंगे। अब ये कानों में हम एक बीड लगा देंगे,
एक उनके मांग टीके पर हम बीट लगाएंगे और किनारे पर बीट लगाएंगे। और अभी हम कान्हा जी की बना रहे हैं। कान्हा जी का फेस बनाने के लिए मैंने वही सेम ब्लू कलर यूज़ करा है, इसमें मैंने कोई वाइट नहीं करा है, कलर टोन सेम रखी है। और ये हम फेस पर और उनकी बॉडी पर करेंगे कलर। बैकग्राउंड में येलो कलर, कुंडल बनाया है उस पर येलो कलर कर रहे हैं, ड्रेस पर येलो कलर कर रहे हैं। कृष्ण भगवान पीले कपड़े पहनते हैं तो इसलिए पीले कलर की उनकी ड्रेस दिखाई है। ये हम उनकी अब जो पगड़ी है टर्बन, उस पर पगड़ी पर ये रेड एंड येलो ग्रीन कलर है। और अब ये इनका मोर पंखी है, उस पर भी ग्रीन येलो एंड टर्कोइश ब्लू करेंगे। ब्लैक कलर्स फॉर हेयर्स। अगेन व्हाइट कलर से टर्बन के बीट्स बनाएंगे, उसके अंदर भी लगाएंगे और उनके गले में माला बनाएंगे। अब ये ब्लैक पेन से मैं सारी जो किनारियाँ हैं दोबारा से कर दूंगी, जो भी कलर करने से थोड़ी हल्की पड़ गई थी। और अभी मोर पंखी में टर्कोइश कलर रह गया है, वो भी करना है। इस तरह से बैकग्राउंड पे यहाँ पे लाइनिंग्स कर दिया। मधुबनी आर्ट में आपने देखा होगा इस तरह की लाइंस बहुत होती हैं, पूरा जो जाल सा बिछा होता है उनमें ड्राइंग में। तो ये तो स्पेस बहुत कम है ना, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से लग रहा है। देखिए कुंडल पे एक वो लगा दिया और एक ऐसे ही टर्बन पे भी एक मोती लगा दिया है। और इसकी किनारी हम पूरी रेड कर देंगे। कोई भी कलर लगा लीजिए, मुझे लगा कि मेरी दो राखियों पर किनारी ग्रीन है तो मैंने सोचा दो राखियों पर मैं रेड कर लेती हूँ। कोई भी कलर लगा लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। वैसे इस पर ग्रीन कलर बहुत सूट करता पर मैंने कहा नहीं, तो ग्रीन कलर की हो चुकी हैं ऑलरेडी और एक ही जगह जानी है राखियाँ, तो इसलिए मैंने। देखिए हमारी ये चारों राखियाँ हैं जो बनकर पूरी तरह से तैयार हैं। इनमें भी सभी में मैंने ऐसे ही रिबन लगाया है और पीछे की तरफ राउंड पेपर का एक सर्कल काट के उनके ऊपर लगा दिया है। और किनारे पर राखियों के जो जो सेटन लगा हुआ है उनके किनारों पर ये बीट्स लगा दिए हैं। प्लीज़ अपने मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये। बहुत ही ईजी हैं राखियाँ बनानी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी हैं राखियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।